आप सभी का लाइव के भी समाचार लोकतंत्र की आवाज में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र की जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। कमिश्नर दिनेश कुमार से सिंघौली प्रधान अरुण शुक्ला ने तिंदवारी में आयोजित गरीब कल्याण मेले में सिंघौली कोटेदार की शिकायत की थी, जिस पर कमिश्नर ने तत्काल विनोद कुमार गौड़ अपर आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा को गांव जाकर जांच करने को कहा। सिंघौली गांव पहुंचे अपर आयुक्त विनोद कुमार से ग्रामीणों में कमला सरोज, शीतला देवी, अंशु राजकुमारी, शोभा प्रहलाद, राजकरण शंकर, अमित आदि ने बताया कि कोटा सत्यवती के नाम है, जबकि सारा काम उसका पति राम प्रकाश यादव करता है जो घटतौली करता है, राशन यूनिट के हिसाब से नहीं देता, अंगूठा ना लगने पर वापस कर देता है, राशन नहीं देता, गाली गलौच और अभद्रता भी करता है। ग्रामीणों ने अपर आयुक्त से कोटेदार के खिलाफ कार्यवाही करते हुए कोटा निरस्त करने और राशन की नई दुकान जल्द शुरू करवाने की मांग की है। लाइव टीवी समाचार के लिए बांदा से आशा देवी की रिपोर्ट। ग्रामीणों ने कोटेदार पर आरोप लगाए हैं, क्या सब खामियां मिली हैं आपको जांच में? इसमें ब्लॉक में शिकायत की गई थी कोटेदार के खिलाफ, जिसके क्रम में कमिश्नर साहब ने मुझे भेजा है यहाँ आके। मैं ग्रामवासियों से मिला हूँ, सबका बयान लिया हूँ, सबसे बातचीत किया हूँ। तो इन लोगों की मुख्यतः चार शिकायतें हैं जी। पहली शिकायत यह है कि बच्चों का जो राशन आया था वो नहीं वितरण किया गया है, अंगूठा लगाने के बाद भी राशन नहीं दिया जाता है जी। जी। उसके अलावा है अभद्र व्यवहार किया जाता है तथा घटतौली भी की जाती है। तो इस संबंध में अभी जांच करेंगे हम लोग, विस्तृत जांच करके मैं अपनी रिपोर्ट कमिश्नर साहब को दूंगा और जो भी कार्रवाई होनी होगी उसको स्ट्रिक्टली कराएंगे। तथा ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो भी राशन आ रहा है ग्रामीणों का उसका वितरण न हो, कम वितरण हो या इस तरह का, होने नहीं दिया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर गांधी कोटेदार को लेकर के क्या समस्या आ रही है? कोटेदार के लेके जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो चुनाव के टाइम में लोगों की ये आशा थी कि अगर मैं अगले मुझको प्रधान बना दिया जाएगा तो शायद कोटेदार की शिकायत या कोटेदार का सुधार हो जाएगा। क्या करते हैं वो अंगूठा लगवा लेते हैं, 2 महीने 3 महीने बराबर अंगूठा लगवाते रहते हैं, गल्ला भी नहीं देते हैं। और राशन लेने अगर महिलाएं जाती हैं, ज्यादातर महिलाएं जाती हैं राशन लेने, महिलाओं से अभद्रता से पेश आते हैं, ये भी शिकायत मिली हमें। अच्छा। काफी महिलाएं हमारे दरवाजे अक्सर आती रहती हैं और शिकायत करती रहती हैं, मगर हमारे अधिकार से छीन लिया गया कि हम कोटेदार के डायरेक्टली कोई शिकायत या डायरेक्टली कोई उसमें वो नहीं कर सकते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये पावर सरकार द्वारा छीन लिया गया प्रधानों का। वैसे तो बार बार जब शिकायतें आई तो इन लोगों से मैंने कहा कि कुछ लिखित दो, तो गांवदारी की वजह से थोड़ा सा दबंग टाइप की वजह से इन लोगों ने लिखित नहीं दिया, मगर कोसती रही, अब अंदर से कोसती रही, भयभीत रही, मगर मैंने इनसे वादा किया कि आपकी शिकायत मैं अच्छी तरह से भलीभांत से जानता हूँ और पहले से भी आप लोग पीड़ित हैं, ये शिकायत आपकी निश्चित है कि निराकरण होगा। आज कमिश्नर साहब, क्या नाम है कोटेदार का? सत्यवती यादव। अच्छा। पति राम प्रताप यादव। तो राम प्रताप यादव अभद्रता करता है? जी राम प्रताप। आज आपने किससे शिकायत की थी पहले? माननीय कमिश्नर साहब जी आए थे दौड़े में, गरीब कल्याण उसमें कार्यक्रम में, मेले में, तो मुझे भी बुलाया गया था, सभी 56 गांव के प्रधानों को इनवाइट किया गया था, मैं भी गया था। कमिश्नर साहब के एक कमरे में बैठ के, माननीय ब्लॉक ग्रुप के कमरे में हम लोग जब बैठे और आपस में सभी प्रधानों की बातचीत, समस्या उन्होंने पूछी कि आप अपने अपने गांव की कोई समस्या हो तो हमसे बता सकते हैं, तो मैंने अपने गाँव की समस्या को कोटेदार के माध्यम से बताया कि कोटेदार हमारे यहाँ से कुछ गड़बड़ी करता है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से जिला पूर्ति अधिकारी जी को फोन किया, वहीं से अपर आयुक्त को उन्होंने वहीं से फोन किया, तत्काल प्रभाव से उन्होंने कार्यवाही सुनिश्चित की, वो मौके में आए, संज्ञान में लिया और सभी लोग, आप लोग अपर आयुक्त आए, क्या आश्वासन दे गए हैं? आश्वासन दे गए हैं कि इसका निस्तारण करेंगे, या आप लोग नई दुकान चाहते हैं तो नई दुकान भी होगी। अच्छा। और इसके विरुद्ध ऐसा भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा अरुण। हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो देखते रहें लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।